नारायण 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 राम 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 प्रपन्न पारिजाताय तोषवेतैकपाणये ज्ञातमुद्राय कृष्णाय गीतामुस्तुहि नमः परमदैवसुखं देवं पुरुषाणोरमर्थनं देवी परमानन्दं नारायण 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 नारायण। अब बोलो मन, एक मनोवृत्ति होती है, एक बुद्धि वृत्ति है। तो बुद्धि वृत्ति है वो कमजोर है, और मनोवृत्ति है वो प्रबल है। इस वास्ते तात्कालिक सुख भी इकता है, उधर हम खींच जाते हैं। वास्तविक हमारा लाभ किसमें है, इस तरफ वृत्ति कम रहती है। जैसे बचपन में उनको कहा जाके पढ़ना शायद हाँ हाँ वहां वहां गलत प्रश्न, परंतु खेलने की वृत्ति इतनी बढ़िया खींचती है कि जिसमें वो पढ़ी हुई बातें सुनी हुई बातें हल्दी हो जाती है, दौड़ जाता है खेल में। इसी तरह से हमारे ये विचार विवेक पूर्वक जो बातें होती है इनका आदर कम हो रहा है, और तात्कालिक सुख है उनका आदर ज्यादा हो रहा है। तो हम बुद्धि वृत्ति को तेज बना, व्यवसायत्मक बुद्धि एक का में से एक का मतलब ये काम करना है चाहे सो कर जाएगा। अपनी बात पर आप दृढ़ रहो, आप से आप लाभ हो तो आप करना पड़ेगा नहीं। केवल इस बात पर दृढ़ रहो, अपने जो भोगों की इच्छा है, भोगों की आशा है, भोगों की कामना है, भोगों का भोगना है, ये एकता सुंदर है। गीता में लिखा है कि विषय इंद्रिय संयोगात यत्र अग्रे अमृतोपम परिणामे विषमेव। परिणाम जहर की तरह होगा, तो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं होती है, वो बुद्धि दृष्टि होती है। तात्कालिक सुख की तरफ ये मनोवृत्ति होती है। तो मनोवृत्ति अपने प्रबल अपने बनाई है। अगर बुद्धि वृत्ति को हम तेज बनावे कि परिणाम क्या होगा, परिणाम को अगर सोचें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाभ इसमें जितना है उतना नहीं हुआ लाभ। भोगों के संग्रह में भोगने में वो लाभ नहीं है जो लाभ पारमार्थिक बातों में। प्रत्यक्ष ये देखी हुई बात है कि अपने भोगों में वर्षों से लगे हैं, वर्षों से नहीं जन्मों से लगे, लाखों जन्म हो गए भोगों के पीछे दौड़ते हुए, इतना अभ्यास है। परंतु थोड़ा सा भी इसका विवेचन सुनते ही ढीला पड़ जाता है, तो उनमें ताकत नहीं है। और थोड़ा सत्संग कर, थोड़ा विचार कर ले तो एकदम इसकी विजय हो जाती है। मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य आता है कि अपने लोगों में क्या दिशा हो गई। ऐसी ऐसी बातें मिलती है, इधर ध्यान कम देते, आदमी ध्यान दे तो निहाल हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, एकदम विलक्षण परिवर्तन हो जाए। केवल विचार करे कि अब अपने ऐसा करना है, अब तन गए सो तो गए, अब और कोई बात नहीं, अब का नशा नहीं, अब ना नशे यहाँ, अब अपना नाश नहीं करेंगे भाई, अब तो ठीक तरह से अपना जैसे कल्याण होगा वो ही काम करेंगे तो हो जाएगा ठीक। केवल विचार है कि औषधम तस्य विचार एव, दवाई क्या है विचार। सुचिंत जो तुम सुविचार यत कृतम, जो किया जाए विचार पूर्वक किया जाए।
मेरे को आश्चर्य आता है कि आदमी कहना करे, अगर महात्माओं का कहना करे, शास्त्र का कहना करे, भगवान का कहना करे, उसमें लग जाए तो विचित्र बुद्धि हो जाए, विचित्र अवस्था विचित्र हो जाए। कि भगवान हमारे साथ में, धर्म हमारे साथ में, शास्त्र हमारे साथ में, संत महात्मा हमारे साथ में, गुरुजन हमारे साथ में, आपसे बैर करने वाले भी आपकी सहायता करने वाले हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उदासीन भी आज सहायक हो जाएंगे और प्रेमी है वे भी सहायक हो जाएंगे। संसार में जितने भी सबके सब आपके सहाय, रास्ता आपका ठीक होना चाहिए, सब सहायक हो जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल एकदम सही बात, करके देखो आप। ऐसी बात केवल अपने विचार ऊपर कायम रहो, इतनी इस बात है। हमने विचार किया, इतने दिन हो गए, सो हो गए, गए सो गए, अब नहीं जान जाएंगे, अब तो बस इस विचार में रखने रात और दिन। देखो आप जीवन बदल जाए, आज से बदल जाए, आज से अभी से बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी सुधर जाए, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, होए राम को नाम जाओ। अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार की केवल सेवा कर देना है तन मन वचन आदि से, और संसार साथ हमारा कोई मतलब नहीं, केवल सेवा करना। हमारे संबंध भगवान के साथ, ममई वांसो जीव लोग, हम भगवान के अंश है, भगवान का साथ सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं, और संसार का संबंध कभी टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है इसमें टिकने की, नाश मन कैसे टिकेगा। आप ध्यान दें, परमात्मा का संबंध बिस्ता नहीं, चाहे लाखों जन्म आप हो जाए और विमुख चलो, परंतु उसका संबंध रंजक मात्र कैसे तभी कम नहीं होगा, और संसार के बीच में कितने रस पर जाओ, ये संबंध टिकेगा ही नहीं, ये तो मर जाएगा, टिक सकते ही नहीं, कैसे टिकेगा, टिकने की सामर्थ्य नहीं है। ये बसा केवल आपका विचार पक्का हो जाए तो अब ऐसा ही करें, इसमें गए सो गए, अब नहीं जान जाएगा, बिल्कुल लाभ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसी बात पक्की एकदम। देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, पढ़ी हुई है, विचार हुआ, इसमें संदेह नहीं है। केवल आपका विचार पक्का होना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, सहाय हो जाए, सब सब लोग सहाय हो जाएंगे। ऐसी बात है, एक लगन चाहिए मनुष्य, एक लगन, जैसे लोभी के लगन होती है कि पैसा पैदा हो, ऐसी लगन हो कि सब दुनिया का उद्धार कैसे, दुनिया का कल्याण कैसे, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये एक लगन लग जाए सब पक्ष हो जाएगी। ऊंचे से ऊंचे संत महात्मा अगर बढ़ना चाहते हैं, तत्व की जीवन मुक्त होना चाहते हैं, कार्य पुरुष बनना चाहते हैं, तो एक ही जरूरत है कि दुनिया का हित कैसे, प्राप्तवंती मामे व सर्वभूति रता, लभंते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति रता, सगुण की प्राप्ति चाहो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो, सर्वभूति रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होगी सारी, फिर ठीक हो जाएगा, वो ही जाएगा, ये उपाय फैल होने वाला नहीं है, जरूर सिद्धि होती है, इसमें संदेह है। केवल भाव ही हो जाएगा, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत मेरा मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग हो, किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी सबका उद्धार कैसे हो, केवल ये बात चाहिए।
फिर सब काम ठीक हो जाए। आज से विचार कर लिया कब सुन कर ही तो वो काम कर रहा है, उसमें अपने को परिश्रम पड़े, खर्चा भी लग जाए, अपमान भी हो जाए, निंदा भी हो जाए, परवाह नहीं। लोग तो पाप में अन्याय में लगते हैं, वे भी दृढ़ता से लग जाते हैं, डाकू होते हैं, रातों जगते हैं। और खतरा रहता है मरने की, जरूरत रहती है तो वो जंगलों में रह करके अपना निर्वाह कर देते हैं। खराब काम करने में भी वो डाका डालते तो हो ही जाता है। ये तो बिल्कुल निर्दोष बात है, अपने दुनिया मात्र के लाभ की बात है। भगवान सहायता करने वाले, संत महात्मा सहायता करने वाले, धर्म सहायता करने वाला, साधु सहायता करने वाला, संसार में जितने अच्छे आदमी भी सहायता करने वाले, बुरे बैद रखने वाले भी सहायता की दृष्टि से हमारे साथ बताओ मत करो, पर उसका नतीजा हमारे सहायता में निकलेगा। ऐसी बात इसमें संदेह नहीं है, इसी बात एकदम सत्य है, पक्की बात। केवल हमारा विचार पक्का रहे, हम उस पर विचार पक्का रहे, किस पर रहेगा, हम अपने विचार से रहे, अब करेंगे, अब आशीष रहे। ये संसार के काम दिखते हैं, कैसा हानि हो जाएगी, ऐसा कैसे काम चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, कुटुंब का पालन कैसे होगा, गृहस्थ का कैसे निर्वाह होगा, ये वहम पहले आते हैं। बड़ा सुगमता से होगा, अभी करते हो उसकी अपेक्षा बढ़िया होगा, उत्तम से होगा, सरलता से हो जाएगा, एकदम पक्की बात। आप करके देखो, अच्छे मार्ग पर पैर रखते ही सब तरह से महाराज दुनिया बदल जाती है, दुनिया का भाव बदल जाता है। और हमारे को संतोष होता है और सहायता बहुत मिलती है, इस मार्ग में सहायता बहुत मिलती है। हर में थोड़ी सी कठिनता मालूम है, परंतु बहुत फायदे है। एक इस विचार है कि अब अपना कल्याण करना है, चाहे सो हो दुनिया तेरे भावे, जो करो भलो बुरो, संसार नारायण तू बैठ के अपना रोल बुहार। इसमें विलक्षणता क्या है कि संसार में व्यक्तिगत लाभ चाहने वाले के द्वारा दुनिया का नुकसान होता है, और ऐसे कल्याण चाहने वाले के द्वारा दुनिया का भला होता है। कौन बात होगा, क्यों बात होगा, कोई मूर्खता से बेसमझी से हमारे को न समझे, हमारा अहित भी करे, पर नतीजा उसका हित का होगा। नियत अच्छी है ना, सच्ची होगा। मैंने कई बार बात देखी, करके देखा, संदेह नहीं। पक्का विचार कर लिया कि भाई अब अपना तो कल्याण करना है, साइंस को, और वो कल्याण दूसरों के कल्याण के साथ कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। सबके हित में अपना हित है, उनके साथ हित मिला हुआ है, इस बात हित होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। केवल एक विचार हो जाए, उस पर दृढ़ रहे। अब कहते हैं पहले इच्छा नहीं होती, इच्छा तो उस पर कायम नहीं रहते। कायम क्यों नहीं रहते हैं, पक्का विचार नहीं किया है, स्वास्थ्य रहते हैं। पक्का विचार भी तो कोई इधर नहीं सकता। जो आदमी लग गए हैं उनकी ऐसी बात हुई है, जीवन बदला है, मेरी देखी हुई बात है, कोई संदेह की बात है। विलक्षणता होती है, विलक्षणता आपसे आप चित्त में संतोष होता है, शांति होती है, लोगों में महिमा होती है, आदर होता है।
औरों को भी सुख होता है इससे, औरों का भी हित होता है। और हित आने के पशु पक्षी हो जाए, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, तो अपना हित होगा वो कौन नहीं करेगा, सब सब लग जाएंगे ठीक है, उसमें संदेह नहीं, हिंस मात्र ऐसी बात है। शंका होता बोलो, शंका है नहीं, एकदम सच्ची बात, एकदम कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात। केवल अपना विचार हो गया भाई, इतना दिन जो हुआ जो हुआ, अब अपने ऐसा नहीं करेंगे, अब तो केवल कल्याण अपना उद्धार हो वो काम। आप अपने कल्याण का विचार करते ही दुनिया का हित होना शुरू हो जाएगा, दुनिया का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, दुनिया का उपकार होना शुरू हो जाएगा, दुनिया में आपकी सुगंधि हो जाएगी। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की वास, कस्तू की सुगंधी है लिखा है, सबसे ही निवारी है, इनकी सौगंध दे दी जाएगी, जब जब कस्तू दे वो सौगंध है फैले तो फैले, सौगंध से निवारी है, ऐसी कैसे निवर हो जाएगी, उसमें शक्ति स्वतः है, स्वाभाविक ताकत है, उसमें वो कैसे मर जाएगी, कभी उस शक्ति में। इस बात से बड़ी पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, व्यवसाय आत्मा बुद्धि एक का एक भोग ही शरीर प्रसन्नता, दो बातें बताई, एक तो संग्रह की इच्छा और एक सुभोग की इच्छा, ये दो व्यवसाय तो बुद्धि को टिकने नहीं देते। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया परिचेषाम, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधव न भी नहीं जाते, तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संग्रह और भोग सुख, इसमें जिसकी आसक्ति है वो इस बुद्धि को दृढ़ नहीं रहने देती। तू ये करके देख लिया तो अदन लाभ उठाया, जो उठा ही लिया कोई हानि हुई नहीं, इसमें हानि है ही नहीं, हो ही नहीं सकती कभी, तो अब ये भी करके देखना है, पक्का विचार कर लो, बड़ी सुगमता दिखेगी। पहले लगते ही इसमें कठिनता दिखती है, कैसे निर्वाह होगा, लोग क्या कहेंगे, हम कैसे चलेंगे, गृहस्थ का निर्वाह कैसे होगा, ये सब संग्रह मिट जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, केवल आपका विचार हो जाए पक्का। अरे संसार का आश्रय लेने वाले भी लोग जीते हैं, तो संसार से भी भगवान कमजोर है क्या, कि संत महात्मा कमजोर है, धर्म कमजोर है, आश्रय की बात, लोग झूठ कपट बेईमानी का आश्रय लेकर धन कमा लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो ईमानदारी है, सत्यता है, उसमें झूठ कपट बेईमानी जितनी भी शक्ति नहीं है यहाँ, बड़ी भाई आश्रय की बात, लगो तो पता लगेगा, यहाँ दूर हूँ पता नहीं लगता, दूर से पंथ को है लड़ो हेली चाले थे, दूर से देख रहा है कृष्ण, चले तो बस सब कठिनता बन जाती है, सुगमता सुते आ जाती है, इस बात से पक्का विचार कर लिया, कर लिया कर ही लिया हमने, समझे को क्या होता है, दमदार और बिड़ा पार, एक वायर करते हैं, घोड़ा नचाते हैं, पैदल चलते हैं तो घोड़ों को कूद आते हैं, तो घोड़ा है मरे चार का लाख है खाई, खाई भी लाम जाएगी, नहीं मर जाए तो मर जाएगा, लाम जाए तो मरता नहीं है, लाम जाता है। ऐसा आप विचार करो, चाहे मर जाए वैसे बड़ा बड़ा काम यही करना है, तो
मना नहीं हो, दुख पड़ा नहीं होगा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी इसकी बात। पहला पक्का विचार चाहिए कि मरे तार का खाना में कहे, घोड़ा मर जाए तो मर जाएगा, मन नाम जाएगा, खुदा देते नाम जाता ही बात। आप करके देख लो, संदेह बोलो, कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका है नहीं, हो सकती नहीं, और करके देखो तो वो शंका रहती नहीं, एकदम काम ठीक होता है, सब सहायक होता है, प्रेमी सहायक, बैरी सहायक, उदासीन सहायक, जिसे कोई संबंध नहीं वो भी हमारे तो सहायक होगा, हम ठीक रास्ते पर है ना, सहायक। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, जंगलों में रहने वाले संतों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। लोग डरते हैं और लूट लेते हैं लोगों को, पर संतों की सेवा करते हैं, सच्चे रास्ते पे चलने वालों की सब सहायक हो जाते हैं। और कपूत होता है उसे माँ बाप सहायक नहीं होते, घर वाले महाराज विरुद्ध हो जाते हैं, क्या करो, लोग कहते हैं कपूत आयो भलो जायो, कपूत कोई आ जाए छोरी तो ठीक नहीं, और पैदा होते तो ठीक नहीं, उसके हिसाब अपने हो जाते हैं। उदार सैतान तो वसुधैव कुटुंब, जिसका चरित्र उदार है दुनिया मात्र उसका कुटुंब हो जाता है, जहां जाए वहां भाई बंधु कुटुंबी स्नेही अपने आदमी हो जाते हैं। पहले तो अपने अपने नहीं होते, अपने होते ही अपने नहीं होते, और अपना ठीक ही बचा है तो सब ठीक हो जाते, एकदम पक्की बात। इस वास्ते एक पक्का विचार कर लिया कि अब जो कुछ हुआ सो तो हुआ, अब अपना नहीं होगा पास, अपना कल्याण करेंगे हम, लग जाएंगे सच्चे हृदय से, कोई संदेह नहीं है। केवल आपका व्यवसाय तो बुद्धि एक और भोगे से प्रसन्नता नाम दया प्रशेषण व्यवसाय समाप्त होने के लिए थे। 41 से 44 तक का प्रकरण है दूसरे अध्याय में, उसको आप देखो। सकाम भाव है संसार, सकाम क्या, नाशवान की कामना ये सकाम है, अविनाशी कामना सकाम नहीं होती, उसमें सकाम ही होती, नाशवान में हम नहीं फंसेंगे, अविनाशी ठहरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सूरज अविनाशी और विनाशी को महत्व देता है, यही अनर्स की बात है खास। अब समझ करेंगे बस ठीक हो जाएगा, समझे नहीं है, करके देख लो। बहुत समय बीत गया परंतु कुछ नहीं बीता, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2043 श्री कृष्ण संवत 5216 है, वैशाख कृष्ण द्वादशी, तदनुसार 22 अप्रैल 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण।